यस पल्टको केन्द्रीय बजेट साधारण मानिसहरूको लागि खुबै उपयोगी बजेट बनेको छ। उक्त बजेटले यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई धेरै फाइदा पुग्ने दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज बागडोग्रा हवाई अड्डामा पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा दावी गरे। यसपल्टको बजेट विशेष गरेर पर्यटनमाथि केन्द्रित गरिएको छ। तिनले बताएअनुसार भाजपा सरकार सत्तामा आएपछि देशको अर्थव्यवस्था निकै बलियो भएको छ। कङ्ग्रेस सरकारपछि मोदी सरकारमा देशको जिडिपी दर समेत बढेको छ। अर्कोतिर दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न ठाउँमा बिजिपिएमले केन्द्रको भाजपा सरकार विरुद्ध गरिरहेको विरोध प्रदर्शनको सन्दर्भमा भने यो एउटा नाटक मात्र हो, सम्भवत केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई केही दिन सक्ने कुराको अगावै तिनीहरूलाई आभास भएकोले गर्दा नै यस प्रकारको नौटङ्की गरिरहेको छ। बिजिपिएमको नाम उल्लेख नगरी पहाडमा विकास मात्र गर्छु भन्ने पार्टीले हालसम्म पनि कुनै विकास कार्य नगरेको सांसद विष्टले पत्रकारहरूलाई बताए। तिनले अझ भने भाजपाको केन्द्र सरकारले नै गोर्खाहरूको 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनेछ। संसदको सत्र मात्र समाप्त भयो अहिले, तर भाजपा सरकार अझ पनि यथावत छ। भाजपाले यस क्षेत्रमा व्यापक विकास कार्य गरेको साथै पहाडको लागि पनि केन्द्र सरकारले अवश्यै केही घोषणा गर्ने सांसद विष्टले आज फेरि दावी गरेका छन्। अर्कोतिर पत्रकारहरूले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाबमा तिनले भने गत 15 वर्षदेखि दार्जिलिङ संसदीय आसनबाट भाजपाले तृणमूलमा हराउँदै आइरहेको छ अनि आउँदो लोकसभा चुनावमा पनि भाजपाको जित निश्चित छ। तिनले अन्तमा बङ्गालमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्ने माग फेरि दोहोऱ्याए। मैं समस्त जनता को ये बताना चाहूँगा, हाल ही में भारत सरकार में जो इंटरिम बजट पेश हुआ और जो पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ, बहुत ही अच्छा बजट है और विशेष करके हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही लाभकारी उपयोगी बजट होगा। हम सब जानते हैं जिस समय यूपीए की सरकार थी, भारत देश एक पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था, हाई NPA होते थे और एसेट क्रिएशन की कोई बात होती नहीं थी और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के कारण देश कंगाली की ओर था। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था बना। दुनिया भर के देशों की तुलना में 11 नंबर से बढ़ करके हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था हम सब बने। और उतना ही नहीं, पिछले 5 साल मतलब शुरुआत के 5 साल जो यूपीए के गड्ढे खोदे गए थे उसको भरने का काम किया और इस 5 साल में उस गड्ढे को भरने के बाद जो है फाउंडेशन लेइंग का काम हुआ। और इस इंटरिम बजट में साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसकी इमारत खड़ी होगी और तीसरी बार जब मोदी जी आएंगे ये सब काम उनके हाथों से पूरा होगा। विशेष करके इस बजट में जो है एक तरफ टूरिज्म को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा हुई है, टूरिज्म के ऊपर में एक पॉलिसी बन रही है और मैं भी अपनी क्षेत्र की जो विशेष करके टूरिज्म से लेकर के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठूंगा और इस क्षेत्र के लिए जो भी उपयुक्त होगा वो सुझाव भारत सरकार को हम पेश करेंगे। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन चुके हैं, 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा इस बजट के अंदर में हुई है, 3 करोड़ लखपति दीदी का एक टारगेट भी जो है, एक लक्ष्य भी भारत सरकार ने रखा है, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्च होगा जिसके माध्यम से अनेक जॉब क्रिएशन का काम भी होगा और विकास के कार्य भी होंगे। अच्छा बजट है, समस्त जनता की ओर से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, वित्त मंत्री सीतारमन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आभार। BJPM की धरना के विषय में आपने कहा, पहली बात तो मुझे ये पता लगा अभी एयरपोर्ट में उतरते ही उनका जो धरना चल रहा था, स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो मेरे प्रति प्रेम था वो जागा है और उन्होंने राजू बिष्ट जिंदाबाद का नारा लगाया है। मैं आपके माध्यम से समस्त BJPM के जितने भी कार्यकर्ता और नेता है उनको बधाई देता हूँ और आपके इस स्नेह के लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आपके भी उपयोग में आएगा, आपके भी काम आएगा। दूसरी बात, जहाँ तक ये धरना मुझे एक तरह से ड्रामा लगता है, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है, जैसे मुझे कुछ पता है ऐसे ही BJPM को कुछ शीर्ष नेतृत्व को शायद ये
ज्ञान है कि भारत सरकार कुछ करने वाली, एक बड़ा विषय ये हो सकता है। दूसरा विषय हो सकता है कि जो गोरखालैंड या जनजाति कभी उनका विषय मुद्दा होता नहीं था, मुझे अच्छा लगा आज देख करके, इसी बहाने धरने के बहाने से उन्होंने उसको अपना विषय और मुद्दा बनाया। तीसरी बात, जो पार्टी विकास के नाम से आगे बढ़ रही थी, विकास के कार्य तो हुए नहीं हैं, जनता उनसे पूछ रही है कि हजारों करोड़ रुपए के जो विकास परियोजना के लिए जो पैसे आए वो पैसे कहाँ गए, उसको छुपाने के लिए हो सकता है। चौथा, तीसरा में बाढ़ पीड़ित के 500 घर बनने थे 6 महीने के अंदर, 5 महीने बीत चुके हैं, आज तक उनके घर नहीं बने, तो उससे भी ध्यान को भटकाने के लिए ये 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट में बजट सेशन शेष हुआ है, सरकार शेष हुई नहीं है अभी, और मुझे पूरा भरोसा है इस भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर में, हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने थे, जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज़्यादा हुए हैं आने वाले समय में, और उसमें गति दिखेगी, और विशेष करके गोरखा और पहाड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसका भी समाधान जल्द जो है ये सरकार घोषणा करेगी। मुझे लगता है इन्हीं कारणों की वजह से शायद उनको कुछ हिंट मिला हो, इसलिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है काम हो ना हो उससे पहले क्रेडिट लेने वाले बहुत उतर जाते हैं सड़क पे। तो मुझे लगता है इस बार हम सब बेसिकली जो गोरखा अपने परिचय के लिए पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, मुझे लगता है ऐसे मुद्दे की राजनीतिकरण ना करना, मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित है। आपके GTA चुनाव में SDO और DM और BDO को लगा करके धांधली करके चुनाव जीत सकते हो, राज्य के चुनाव या राष्ट्र के चुनाव आप जीत नहीं सकते, आप में वो दम नहीं है, ये बात आप स्वयं भी जानते हो। पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की गरिमा को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता को बचाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है राष्ट्रपति शासन। गवर्नर जितना डिले करेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर के, मुझे लगता है जनता को उतना कष्ट हो रहा है। ये सरकार ऐसी संवेदनशीलहीन सरकार है जो पद पे बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल कंगाल बना है, इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल की जनता को पीड़ा हुई है, इस सरकार के कारण महिलाएं और हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। ऐसी सरकार रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे, और राष्ट्रपति शासन लगने से पश्चिम बंगाल की जनता खुशी खुशी 10 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को वोट देगी। मैं मांग करता हूं, एकमात्र उपाय है राष्ट्रपति शासन लगाओ, इनको कुर्सी से हटाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ। ऐसा है ममता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हिंसावादी है, जो आतंकवादी है, जो भ्रष्टाचार है, जो गोरू की चोरी करता है, जो गाय की तस्करी करता है, बालू की चोरी करता है, कोयला की चोरी करता है, खनन की चोरी करता है, नदी में से रिसोर्सेस की चोरी करता है, उनको वो संरक्षण देती है और खुला कहती है जो बदमाश होगा, सबसे बड़ा बदमाश होगा, उसको सबसे पहले टिकट दूंगी। ये ममता बनर्जी ने कई बार कहा भी और करके दिखाया भी है, इसीलिए हम उनसे कोई उम्मीद रखते भी नहीं।